नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श आनंद भागलपुर बिहार से, और अभी मैं दुनिया का सबसे बेस्ट और दमदार वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे दमदार वीडियो और कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे पापा, सो अंकल, जैसे कि अभी आदर्श आनंद घर में नहीं है, वो कहीं गए काम से। कहाँ गए कुछ मालूम है? आउट ऑफ स्टेशन है। अच्छा, कितना दिन से? करीबन मंथ चल होने चले। अच्छा, अभी तक घर नहीं आए। वो उनका मतलब अभी वो उनके पास कि कहाँ कहाँ से लोग आते हैं मिलने के लिए? जैसे हम लोग आए हैं धनबाद से, आगे हैं बहुत जगह से आता है। बहुत जगह से ना आता है। मुंबई से भी। मुंबई से भी आता है? दिल्ली से भी आता है। अरे वाह। तो ये आदर्श कितने भाई हैं? आदर्श सिंगल। सिंगल। तो आपको कैसा लगता है कि लोग आ रहे हैं? जैसे हम लोग आए अभी धनबाद से मिलने के लिए, और ये भाई आए हैं समस्तीपुर से, तो कैसा लग रहा है आपको? गर्व तो फील होता ही है। गर्व फील होता है ना। तो ये पहले शुरुआती दौर पर वो जो काम उम करता था, तो पहले भी आप लोग का सपोर्ट था, फुल सपोर्ट रहता था? बिल्कुल। देखिए, पेरेंट्स आर द बेस्ट स्कूल फॉर चाइल्ड। माता पिता जो है सबसे, किसी भी लाइन में हो, अगर सपोर्टर नहीं होगा तो फिर वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। नहीं मतलब होता है कि सब लाइन में बहुत कोई गार्जियन सपोर्ट नहीं करते पहले। जैसे हम लोग भी अभी ब्लॉग बना रहे थे, वीडियो शूट करने के लिए आ रहे हैं, तो अभी तो चलिए हम लोग का थोड़ा अर्निंग होने लगा है, तो गार्जियन को अच्छा लगता है कि बेटा कमा रहा है, घूम फिर रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि पहले शुरुआती दौर पर भी आप लोग का सपोर्ट था आनंद को लेके? देखिए, इंटरेस्टेड तो ऐसे हमारा अपना पर्सनल स्कूल चलता था, आदर्श ज्ञान निकेतन। आपका स्कूल चलता था? हाँ। अच्छा। और जिसमें एवरी सैटरडे 45 मिनट्स का कल्चरल प्रोग्राम रखते थे। अच्छा। तो ना कि हेजिटेशन को खत्म करने के लिए, तो कोई भी राइम्स बोलो या हिंदी राइम्स बोलो, कोई ये जो उनके अंदर में जो टैलेंट है, डांस है, मिमिक्री है, ये टैलेंट मतलब वो बचपन से था क्या? क्लास व्लास कहीं करते थे भाई? प्रत्येक बच्चे के अंदर में जैसे माचिस की तिल्ली में आग छिपी रहती है, इसको घसने का जरूरत है। तो प्रत्येक केवल आदर्श ही नहीं, प्रत्येक बच्चे के अंदर में प्रतिभा छुपा हुआ है, इसको जगाने वाला होना चाहिए। समझे ना? तो मैंने उसके अंदर में देखा कि जो है उसके अंदर में है कुछ। तो उस वक्त तो मिमिक्री नहीं था, मिमिक्री नहीं था, लेकिन डांस जब छोटा था तो उस वक्त भी वो डांस बढ़िया करता था। अच्छा, डांस बचपन से ही करता बढ़िया? हाँ। उसका कोई गुरु नहीं। अच्छा। ना कहीं सीखने के लिए गया। अच्छा। तक जो भी एक्टिंग हो, डांस हो, मिमिक्री हो, ये अपने से ही जो है। तो कहने का मतलब है कि देखिए, ये पढ़ाई एजुकेशन तो हर जगह घर घर में होता है, मतलब किसी भी कास्ट का जो है ना, लेकिन जो अंदर में जो कला जो है ये कम को मिलता है। ये सोचिए एक तरह से कि जो है ये बोनस है इंसान का है ना। तो एजुकेशन ऐसे हम जाति तो इतना वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन हम लाला जाति से बिलोंग करते हैं। अच्छा। तो लाला जाति से लोग कहता है कि ये सही नहीं, परिवार में भी सुनते हैं कि हम कलम से ज़्यादा तेज होता है लाला। ठीक है। तो पहले तो मैंने उसको एजुकेशन पर ध्यान दिया। अच्छा। तो है ना, क्योंकि एक शिक्षित चोर और एक मूर्ख चोर में अंतर होता है। है ना, तो इसलिए इसको बस एक ही बात कहते थे कि आप ये करो, लेकिन इसको भोजन मत बनाओ, फिर नाश्ता में रखो। भोजन भोजन जो है एजुकेशन को बनाओ पहले, फिर इसको भोजन बनाना है ना। तो एजुकेशन को जो है मैं प्राथमिकता पहले दिया। वो फिजिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स। तो अभी आप फिलहाल टीचर लाइन में? हाँ, टीचिंग लाइन में। आप पढ़ाते भी हैं अभी बच्चों को? और उनके साथ जो टीम में रहता है बच्चा लोग, वो कहाँ कहाँ रहता है? जो आदर्श का सब बगल का ही, तो उन लोग का भी लगता होगा थोड़ा सा एक टीम बन गया तो गांव में भी थोड़ा सा चर्चा के विषय होगा। आसपास में लोग क्या कहते हैं? जो अभी आपका यहाँ पर घर है, तो आसपास के लोग क्या कहते हैं आदर्श के बारे में? जैसे आप अभी कोई भी अपने दोस्त या रिलेटिव में जाते हो, अब तो कैसा लगता है आपको आदर्श? मतलब हर एक इंसान अपने से गिरता, अपने से बनाता है ना। तो वो जब बनने के बाद तो सबको अच्छा लगता है, गाँव का हो, समाज का हो, अपना हो, पढ़ाया हो,
नहीं, और जब नहीं बनता है लोग तब फिर उसकी निंदा होती है, लेकिन वो तो अब बन चुका है, अब जो है। और इसको एक ही बात है कि यूँ बदनाम बेचारे शराब को मैंने थोड़ी सी चढ़ी, इतनी चढ़ी दुनिया जाए भर है ना। तो आप जो कर रहे हैं, आप अपना हर एक मतलब एक गोल भी होना चाहिए आदमी का कि इस काम में हमें कोई चीज़ हासिल करना है तो करना हासिल। हाँ, वो तो उनका भी मन में गोल था होगा। हाँ हाँ, तो उसको बच्चा बच्चा था ना, तो वो नृत्य बढ़िया करता था, लेकिन इसके अंदर में हेजिटेशन था, तो हेजिटेशन को जो है मैंने काफ़ी ये देकर हेजिटेशन को जो है। और वो ऐसे हर चीज़ में जैसे आपका किसी टॉपिक पर बात करना हो, समय ना स्पीच देनी है, तो उसमें भी अब्बल रहता था। अच्छा, बच्चा में ही लोग इसको तीखी में मिर्ची कहा जाता था, लौंगिया मिर्ची बचपन में ही। हाँ, लौंगिया मिर्ची जो है बचपन में भी जो है मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि भाई चलो आप लोग नृत्य करते हो तो स्पीच वगैरह में भाग ही लो, देखें आपका स्पीच में क्या रुचि है। स्पीच भी बहुत अच्छा कर लो, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज में मैं देखा हूँ स्पीच भी बहुत अच्छा देते हैं, क्योंकि उसका वीडियो तो बहुत सारा है, फेसबुक पेज पर भी बना हुआ है, यूट्यूब पर है, हर जगह इंस्टा ना सब जगह मतलब एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर। ये मिमिक्री के बारे में जो है मेरे को जानकारी नहीं। नहीं, मिमिक्री भी करते हैं बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने सुना आवाज भी निकलता है कुछ 150+ करते हैं। डेढ़ सौ प्लस तो चलिए, काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा मिल के। थोड़ा सा सुबह सुबह हम लोग आ गए बट मिल नहीं पाए आदर से, तो अंकल नेक्स्ट टाइम हम मिल पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल क्यों नहीं पाएगा। तो आप हमको कॉन्टैक्ट नंबर अपना दे दीजिएगा, फोन करके आएंगे हम धनबाद से हैं, और आप लोग अगर धनबाद का भी आते हैं तो हमको याद कीजिएगा। धनबाद में हमारा नहीं हाल। चलिए तो चलिए फ्रेंड्स, अब ब्लॉग कहीं पर एंडिंग करते हैं। फिलहाल आदर्श भाई घर में नहीं है, और क्योंकि मालूम है कि हम लोग जब अभी इतना 60 के में इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं, 60,000 सब्सक्राइबर तो भाई का तो मिलियनों में है, उनको लाखों लाख लोग देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास बहुत सारा ऑफर भी आता होगा, कहीं काम के सिलसिले में कोई भी मतलब घर में वो रहता है नहीं, बहुत कम रहता है पहले के बजाय, कहीं ना कहीं से कुछ वीडियो शूट के बहाने में या तो कोई बहाने से भी निकल जाते हैं। जब कोई कुछ उद्घाटन करता है तो उसमें चीफ गेस्ट। अच्छा, चीफ गेस्ट के में भी भाई को अब मतलब मौका मिल रहा है, जैसे नहीं बोले कि एंकरिंग भी भाई बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो निकल जाते हैं, ज़्यादा उनका शेड्यूल जो कि बिजी रहता है। तो चलिए, ये मेहनत हम लोग किए कि उनका घर भी दिखा दें आप लोग का, ये घर है, और ये रहे उनके पापा जो कि काफ़ी मतलब अच्छे लगे। इनका विचार जो कि था कि जैसे आज इतना मतलब बड़ा नाम कमाया है तो सारा चीज़ क्रेडिट मतलब इनका पापा का जाता है, और इसी तरह का हर गार्जियन को सपोर्ट भी करना चाहिए क्या? नहीं नहीं, क्रेडिट जो है पापा का तो जाता ही नहीं है। अब देखिए, जो जगने वाला है उसी को ही जगाया जा सकता है। हाँ, ये बात है, बट कहीं ना कहीं क्रेडिट तो आपका भी कुछ है। बिल्कुल, द्रोणाचार्य जो है अर्जुन को श्रेष्ठ धर्मधारी बनाया गया, द्रोणाचार्य के तो और शिष्य थे, वो क्यों नहीं बना? तो जिसके अंदर में आप जैसे मान लिया जाए कि कोई अगर टीचर कहता है कि इस विद्यार्थी को मैं विद्वान बना दूंगा तो ये रॉन्ग है, वो नहीं बना पाएगा जब तक वो नहीं बनेगा। समझे ना? हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि पेरेंट्स टीचर जो भी हो तो ये जगाने का काम ज़्यादा किया जाता है, इंटरेस्टेड किसी को भी जो है इंटरेस्टेड बना दीजिए। भरद्वाज जो है बाद में इंटरेस्टेड हुआ पढ़ाई से, भरद्वाज की कहानी अब पढ़े या नहीं पढ़े, इनको बुद्धराज बोला जाता है, और ये संस्कृत के प्रचंड विद्वान बने बाद में जाकर। और इसको जो है लास्ट में जो है गुरुजी बोले कि थक कर कि भाई अब हमसे नहीं हो पाएगा भरद्वाज, तुम अपने घर की ओर जाओ, अब अपने माता पिता का हाथ बटाओ, है ना, अब बिल्कुल जो है छोड़ दो। तो वो जब जाने लगा तो जाते जाते जो है इसको प्यास लगी, तो कुएँ के पास जब गया तो कुएँ के पास जाके बैठा, अब बैठने के बाद देखता है कि एक मामूली सा रस्सा जो है, तो वहाँ से वो चढ़ता है, मतलब इंटरेस्टेड वहाँ से होता है। तो कोई विद्यार्थी हो कोई भी हो, इंटरेस्टेड जो है आप इसको इंटरेस्ट जगा दीजिए। लेकिन अभी तो मैं देखता हूँ कि जो है सबसे बड़ा है कि जगाना पेरेंट्स को, बच्चे और स्टूडेंट को जगाया नहीं जाता आजकल। मैं टीचिंग लाइन से हूँ लेकिन अब मैं जगाता हूँ पेरेंट्स को। मैं ना बोलता है कि बच्चों को प्रेरित करने से पहले स्वयं प्रेरित हो मेरे साथ ही, क्योंकि जला हुआ दीपक ही जला सकता है बुझे हुए दीपक की बात है ना। तो चलिए, काफ़ी अच्छा लगा आपका जो कि इस तरह का जो आपका विचार है सोच है। तो फ्रेंड्स, यहीं पर ब्लॉग एंडिंग करते हैं, और नेक्स्ट टाइम हो सके तो आप लोग का आदर्श आनंद से मिलवाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, बाय बाय फ्रेंड्स।
वही।